राधे राधे। देखिए, अगर आप सोचोगे ना तो सोचते रह जाओगे। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है ना कि ये आपके भी काम आएगा, आपके बच्चों को भी काम आएगा और फ्यूचर में भी काम आता है। और देखिए, प्रॉपर्टी क्या है कि डे बाय डे आप देख ही रहे हो कि जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से प्रॉपर्टी में ग्रोथ हो रहा है ना, तो ये आप सोच लो कि सबसे नंबर वन एक इन्वेस्टमेंट है। इतना रिटर्न जो है ना तो आपको गोल्ड में मिलेगा, ना ही किसी इंश्योरेंस में, ना ही कोई FD में, ना ही किसी बैंक में। ठीक है जी, इतना रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो प्रॉपर्टी देखिए, अगर आप जो सोचते हो, हर एक आदमी सोचता है कि जब मेरे पास पैसे हो जाएगा तब प्रॉपर्टी लूंगा, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, अब पैसे कभी नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर हम सोचेंगे ना कि आज मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएगा तब ये काम करूंगा, नहीं होता, क्योंकि एक ना एक घर में काम लगता ही रहेगा, एक ना एक जरूरत पड़ती रहती है, तो पैसे कभी इकट्ठा नहीं होता। आपको क्या करना है कि हिम्मत बांध के, आप 10 लाख की अगर बात कर रहे हो कि मेरे पास 10 लाख होगा तब लूंगा, नहीं, आपके पास अगर 2-4-5 लाख भी हो आप वो चीज ले लो, बाकी आपको टाइम मिल जाता है पेमेंट करने का, आप प्रॉपर्टी फाइनेंस करा सकते हो, फिर एक छोटा सा EMI बांध लो। वो क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा EMI अगर आपका जाता रहेगा ना, तो उसमें आपको एक बेनिफिट क्या है कि एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, नहीं यार मुझे हर एक महीने पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो उसके वजह से जैसे लोग, कई लोग कमेटी डालते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर में भी अगर आप कोई कमेटी ना डालो, कोई सेविंग ना करो और महीने का चाहे कितना भी कमा लो, वो बचेगा ही नहीं, वो खर्च हो जाता है। लेकिन आपने एक कमेटी डाल लिया, आपने कुछ एक EMI बांध ली ना, तो हर एक महीने उतना पैसा वहां आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आप बिल्कुल डिपॉजिट कर देते हो, क्योंकि सेविंग करने ही से ही होता है। अगर मैं सिर्फ सोचूंगा कि मैं सेविंग करूंगा, नहीं होगा। जब तक आप हाथ नहीं डालोगे तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी है, रेरा अप्रूव्ड भी प्रॉपर्टी है, सब कुछ, दोनों प्रॉपर्टी अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपको ही पता है कि रेरा अप्रूव जो प्रॉपर्टी है वो भाई आज के टाइम पे करोड़ों के नीचे है ही नहीं, लाख तो आप भूल जाओ। अगर आप अच्छे प्राइम लोकेशन पे, अच्छे लोकेशन पे और बेस्ट डेवलपर से अगर कहीं आप प्रॉपर्टी लेने जाओ रेरा वाली ना, तो दिल्ली NCR के मथुरा वृंदावन में भी आपको करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो कोई प्रॉपर्टी अगर सस्ती प्रॉपर्टी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया देखो शहर से दूर मिलेगा, तो वो क्या करते, विजिट करते, फिर कहते अरे भाई ये तो बहुत दूर है, ये तो आउटर में है। अरे दादा, अगर आउटर में है तभी तो इस रेट में मिल रहा है, आप समझो ना, क्योंकि शहर में तो फिर आपके बजट में मिलेगा ही नहीं, फिर आप करोगे क्या? फिर वही जगह जब कुछ साल बाद, 2-4-5 साल बाद जब बसावट हो जाती है, जब वहां पे डेवलपमेंट हो जाता है, फिर वही जमीन का रेट 5 गुना 6 गुना बढ़ जाता है। फिर लोग कहते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, लोग क्या कहते हैं, अरे यार मैं 4 साल पहले आया था तब तो ये 5000 रुपए गज था और आज यहाँ पे 40000 रुपए गज हो गया। तो भैया 5 साल पहले आपने लिया क्यों नहीं? आपने तो लिया भी नहीं, आपने देखा कि आउटर में है, अभी बसावट नहीं है, अभी तो खेत है, तब तो इन्वेस्टमेंट करते नहीं हो। आज जब डेवलप हो जाता है फिर आपके बजट में नहीं होती है। मेन चीज आप हमेशा फोकस रखो कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप दिल्ली में प्रॉपर्टी लो, नोएडा में प्रॉपर्टी लो, NCR में प्रॉपर्टी लो, नहीं, आपको जहां सही प्रॉपर्टी मिले आप वहां प्रॉपर्टी जरूर ले लो, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी का रेट ग्रोथ हो रहा है। ये नहीं बोलूंगा कि वृंदावन में ग्रोथ हो रहा है, नोएडा के अंदर ग्रो हो रहा है या दिल्ली के अंदर हो रहा है, नहीं, सब जगह ग्रो हो रहा है, सब जगह का रेट बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है कि देखिए, डे बाय डे जनसंख्या बढ़ रहा है, डे बाय डे जमीनें कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अब क्या कर रहे हैं कि पैसा ना तो बैंक में रख रहे हैं कि भैया पता नहीं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ठीक है, या FD में, या कहीं भी जाओ तो ज्यादा रिटर्न नहीं है, तो लोग सोचते हैं यार इससे अच्छा एक प्रॉपर्टी लेकर डाल दो, रेट भी बढ़ता रहेगा और आपका एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो इसी यही वजह है कि आज रेट बढ़ता जा रहा है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बेस्ट, अगर आपके पास प्रॉपर्टी में, देखिए हर एक बजट की प्रॉपर्टी है यार, जरूरी नहीं है कि आप 50,000 वाले गज में करो, 5,000 रुपए गज में भी है, 10,000 रुपए गज में भी है, 20,000 रुपए गज में भी है, आपका जितना पॉकेट अलाउ कर रहा है, जितने आपके पास पैसे हैं या आप जितना इकट्ठा करके ले सकते हो उतना ले लो। कभी ये मत सोचो कि 2 साल बाद लूंगा, क्योंकि देखो आज जो रेट सुनोगे ना कि आज ये जमीन 20,000 रुपए गज मिल रहा है, अब आप सोचोगे कोई बात नहीं यार अभी मेरे पास पैसे नहीं, 2 साल बाद लूंगा, अरे भैया 2 साल बाद वो रेट 40,000 का भी हो सकता है, फिर आप कहोगे यार अब 2 साल बाद और लूंगा, तो ये नहीं होता। आपके अगर बजट में जो भी पैसा है अपने बजट के हिसाब से जहां आपको प्रॉपर्टी मिले वहां लेके डाल दो, और फिर उसके बाद पैसा इकट्ठा करो, दो साल में जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा फिर जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसको आप सेल करो, उससे जो वो पैसा अपना जो आपने 2 साल में और सेविंग किया वो पैसा मिला के फिर कहीं और अच्छे जगह इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट करना जब आप स्टार्ट करोगे छोटे से,
देखिए कोई भी अगर हम गाड़ी लेते हैं ना, तो ये नहीं होता कि सीधा जी मैं सीधे एकदम BMW ही लूंगा, नहीं। हर एक आदमी पहले छोटी गाड़ी से स्टार्ट करता है। जैसे नॉर्मली मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो 80% मिडिल क्लास के लोग जो गाड़ी लेते हैं ना, वो मारुति की गाड़ी लेते हैं, चाहे आल्टो हो, वैगनार हो, स्विफ्ट हो, कोई भी हो। मेरी भी जो पहली गाड़ी थी मारुति की गाड़ी थी वैगनार, ठीक है। आज मेरे पास दूसरी गाड़ी है, तो पहले आप स्टार्ट कीजिए, एक स्टेप तो चलिए। मान लो जरा आप एक स्टेप चलते ही और सीधे छत पर जाने की कोशिश करोगे तो कभी जा ही नहीं पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही होता है कि पहले आप अपने बजट के हिसाब से कोई सस्ती प्रॉपर्टी, जो आपके पास पैसा है उसको इन्वेस्ट करो, फिर उससे प्रॉफिट होगा, फिर उसको सेल करके आप दूसरी प्रॉपर्टी लो। ऐसे जब आप करना स्टार्ट करोगे, देन आप एक आने वाले समय में, आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आपके पास लैंड बैंक होगा, एक बहुत अच्छी खासी बहुत सारे आपके पास प्रॉपर्टी हो जाएंगे, अगर आपने सही तरीके से, सही से राय लेके, एक सही एडवाइजर से राय लेके अपना जो पैसा है उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप मेरे थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि मेरे पास वृंदावन है, गोवर्धन हो गया, नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन है, खाटू श्याम है और गढ़गंगा में भी है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बार मेरे साथ इंक्वायरी कर सकते हो, हमारे टीम से बात करके आप इंक्वायरी करके, और हमारे थ्रू भी आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे पास सारी तरह की प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड भी है, रेरा वाले भी है, अथॉरिटी वाले भी है, सब टाइप का प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको आपके बजट के हिसाब से, ठीक है जी। अब मेरे पास देखिए, मान के चलिए कि अगर आपका बजट है 20 लाख रुपए का और आप प्रॉपर्टी अगर सर्च करोगे 1 करोड़ का, पसंद आएगा 1 करोड़ का तो कैसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो वही चीज़ है कि जितना आपका बजट हो आप अपने बजट के हिसाब से सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।